हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ जिसे सेल स्टिच कहते हैं। सेल स्टिच को कैसे पॉल्ट्री में बनाना है ये मैं सिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने 3 धागों का इस्तेमाल किया है और ये 9 नंबर का क्रोश के लिए है। तो आज मैं बेस डार्क कलर से बनाऊँगी, सफ़ेद से नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैंने रेड से बनाऊँगी आज। तो सबसे पहले इस तरह से मैजिक सर्कल बनाएंगे, जैसे सभी पोटली में बनाते हैं उसी तरह से हम इसे बनाएंगे। तो ये मैंने छोटा थोड़ा कर दिया है। फिर यहाँ से एक चेन, दो चेन, तीन चेन, उसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ डबल क्रोशिया मैं 16 बनाऊंगी। आप 14, 16 जो भी बनाना है बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं एक राउंड में 16 डबल क्रोशिया बनाऊंगी चेन को लेके, इस चेन को लेके। तो यहाँ 16 डबल क्रोशिया मेरे कंप्लीट हो गए। यहाँ फर्स्ट वाले में 3 चेन को छोड़ के, जो फर्स्ट चेन है यहाँ मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरह से, और इस वाले को अच्छे से खींच लेंगे तो ये सर्कल इस तरह से रेडी हो जाएगा। और इसको हम यहाँ इस तरह से सिलाई कर देंगे या यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से लिए, फिर इसके अंदर से लेके हम यहाँ खींच देंगे तो ये हमारा खुलेगा ही नहीं। तो अच्छे से सर्कल बन गया। उसके बाद का स्टेप है यहाँ 1, 2, 3 सेम जगह में जिसमें स्लिप स्टिच किए उसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये फुल राउंड कंप्लीट करेंगे क्योंकि बेस हमारा इसी तरह से बनता है। यहाँ कंप्लीट करेंगे, लास्ट में इसमें भी 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ लास्ट वाले में 1 मैंने बनाया, फिर यहाँ 30 से छोड़ के इसमें हम इसमें नहीं बगल वाले स्लिप स्टिच कर दूंगी मैं। तो ये हमारा सर्कल इस तरह से हुआ। तो अभी हमारे डबल हो गए, जितने थे 16 थे इसके 32 हो गए, 32 हो गए। इसके बाद मैं यहाँ से तीसरा, अब यहाँ से समझने की बात है कि एक मैंने बनाया ये इसके बगल है, सेम जगह में 2 बनाऊंगी। ये जो है इस चेन का है, इस चेन में ये 2 हो गए, फिर 1, फिर 1 में 2, फिर 1, फिर इसमें 2। तो इसी तरह से बनेंगे 2, 1, 2, 1 पूरा जाएगा। उसके बाद जितने भी राउंड हमें बनाना है तो इसी तरह से बनाना है, 2, फिर इसके बाद 1 है तो 1 और बनेगा, फिर इसके बाद 2, मतलब 2 डबल क्रोशिया, फिर 1, 1, मतलब पहली लाइन में 1 बीच में रहेगा, दूसरे लाइन में 2 बीच में रहेगा, तीसरे लाइन में 3 बीच में रहेगा, चौथे लाइन में। जिस तरह से आपको ये बड़ा सर्कल बनाना है पोटली का उसी हिसाब से इसको बना ले। आगे का डिज़ाइन मैं बनाने के बाद दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसे बनाया है। तो यहाँ मैंने ये बना लिया है राउंड, ये 16 का है, ये 16 से है, इसको डबल किया, फिर डबल किया, फिर डबल किया, फिर डबल किया। तो यहाँ इसमें डबल नहीं किया, सॉरी, यहाँ तक। तो यहाँ तक 64 हो गए हैं हमारे। और एक राउंड मैंने बस सभी के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल करके बनाया है। यहाँ तक 64 हुए हैं, फिर जब मैंने सिंगल सिंगल करके बनाया तो यहाँ भी 64 इस लाइन में हुए। फिर आगे का डिज़ाइन मैं यहाँ से बनाऊंगी क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो 4-4 का होगा। यहाँ से मैं 3 ले रही हूँ और इसके, सॉरी, यहाँ से 3 नहीं लूँगी, यहाँ से बस मैं यहाँ लिया मैंने 1 चेन और सेम जगह में 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो मैंने इसके ऊपर बनाया। अब यहाँ से काउंट करूँगी 1, 2, 3, 4,
क्योंकि डिज़ाइन हमें चार का बनाना है। फिर यहाँ से मैं चौथे में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी, सेम जगह में बनाए, दो तीन चार एंड पांच। फिर यहाँ से दो चेन लेंगे और सेम जगह में यहाँ से मैं ये डिज़ाइनर सेल स्टिच बना रही हूँ। फिर मैं इसी में पांच और बनाऊँगी सेम होल में, किसी दूसरे में नहीं, सेम होल में बनाना है। दो हुआ, तीन हुआ एंड चार पांच, तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे, जिसमें है उसको छोड़ेंगे, एक दो तीन चार, चौथे में आके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ से लेंगे फंदा और यहाँ से इसको छोड़ देंगे जिस पर हमने बनाया है, एक दो तीन चार, चौथे में वापस से बनाएंगे, सेम डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे ये है ऐसे ही सेम डिज़ाइन बनाएंगे इधर के लिए। तो इसमें मैं पांच बनाऊंगी, इसीलिए 64 है। अगर आपको ज़्यादा का बनाना है तभी भी आपको 4 का ही मल्टीपल रखना होगा। फिर यहाँ से दो चेन और सेम जगह में पांच डबल क्रोशिया वापस से बनाना है, तीन चार पांच, पांच बन गया। फिर इसको हम छोड़ देंगे, मैंने इस पे बनाया है, यहाँ से एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ चौथे में वापस से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना। तो इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन हम एक राउंड में बनाऊंगी, यहाँ आके दिखाऊंगी किस तरह से बनाना है। ये डिज़ाइन मैंने कंप्लीट किया और इस तरह से ये दिख रहा, अभी जस्ट ये शुरुआत है। उसके बाद मैं यहाँ जोड़ना सिखा दे रही हूँ यहाँ, और ये फर्स्ट वाले में जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया वापस बनाएंगे। इसके बाद हम मुड़ जाएंगे, हमको इधर से बुनाई नहीं करनी है, हमको उल्टा साइड से जाना है। यहाँ लिया मैंने और इसके नीचे जाएंगे और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आगे जाएंगे, यहाँ से हर एक चीज़ में, हर एक में सिंगल क्रोशिया, यहाँ से सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, यहाँ से दो चेन, उसके बाद यहाँ इस वाले में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और यहाँ ये लास्ट सिंगल क्रोशिया इसके अंदर। फिर इसके बाद बीचों बीच हम आएंगे जहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया उस पर भी एक सिंगल क्रोशिया, और फिर से हम इसी तरह से जैसे यहाँ हमारा है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा लाइन लाएंगे यहाँ। उसके बाद हम सीधी साइड से बुनाई करेंगे, यहाँ तक लाएंगे। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से दिखेगा नेक्स्ट में।
इस तरह से ये दिखेगा, तो बहुत सुंदर लगेगा। पहले एक राउंड हम उल्टा बनाएंगे, उसके बाद फिर सीधा बनाएंगे। तो यहाँ उल्टी साइड से मैं बनाते हुए आ गई, सामने इस तरह से है। उसके बाद यहाँ मैं इसको जोड़ दूंगी, मेरा लास्ट बचा है, यहाँ से एक बना लूँ सिंगल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ इस बीच में यहाँ स्लिप स्टिच करके मैं जोड़ के, और यहाँ धागा मैं कट कर दूंगी, यहाँ से मैं नया धागा लगाऊंगी। तो ये अभी इस तरह से जुड़ गया, यहाँ मैंने कट किया है, और धागा यहाँ से मैं लगाऊंगी या कहीं से भी लगाऊंगी क्योंकि सब सेम है। तो ये मेरा उल्टी साइड था, अब मैं सीधी साइड से यहाँ धागा लगाऊंगी। इस तरह से बना ले लूप, उसके बाद हम इसी में अपने फंदा लेंगे यहाँ से, एक दो तीन, तीन क्रोश इसके सीधे के और दो इस साइड के, फिर सेम जगह में हम यहाँ वी शेप बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा वी शेप हुआ। उसके बाद यहाँ से एक दो तीन, और हम ये सामने वाला छोड़ देंगे, पीछे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक दो तीन, और इसके ऊपर आएंगे सिंगल क्रोशिया जिसमें हमने बनाया है, यहाँ इसमें बनाएंगे, यहाँ डबल क्रोशिया, वापस से दो चेन और सॉरी फिर से एक डबल क्रोशिया, यहाँ हो गया हमारा ये वी शेप। फिर यहाँ से एक दो तीन, इसमें आएंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक दो तीन, तीन चेन, फिर यहाँ से फंदा लेंगे, और इस बीचों बीच में जो हमारा यहाँ है इसमें हम इस तरह से वी शेप बनाएंगे। तो आगे का डिज़ाइन हम इसी तरीके से पूरा बनाएंगे। तो ये लाइन कंप्लीट हो गई, यहाँ एक दो तीन, तीसरे में मैं यहाँ स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो यहाँ मैंने ये स्लिप स्टिच से जोड़ दिया, फिर यहाँ एक चेन लेंगे और इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे और इसके अंदर में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से यहाँ हम तीन चेन लेंगे और फिर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक दो तीन लेंगे, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर, फिर यहाँ से तीन चेन सिंगल क्रोशिया, फिर तीन चेन सिंगल क्रोशिया, फिर दो चेन सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से ये पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे। तो एकदम कंप्लीट हो गया दूसरी लाइन, फिर मैं यहाँ इसमें जोड़ दूंगी स्लिप स्टिच से, इसके बाद का डिज़ाइन मैं बनाऊंगी। यहाँ से हम आ जाएंगे, ये जो हमारा नीचे है इसमें बुनाई करेंगे। पहले यहाँ से हम तीन चेन बना लें, एक दो तीन, फिर फंदा पकड़ेंगे यहाँ से, इसके नीचे आएंगे बीच में, इसके बीच का, फिर यहाँ से एक एक हुआ, यहाँ से दो तीन चार, और एक चेन वाला पांच हुआ यहाँ, फिर यहाँ दो चेन लेंगे और इसी सेम जगह में हम पांच और बनाएंगे, दो तीन चार एंड पाँच। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से हुआ।
फिर हम आएंगे इस बार इसमें, यहाँ इसके ऊपर में यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से फंदा लेंगे इसके बीचों बीच से, यहाँ से फिर बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए, फिर यहाँ दो चेन और इसमें भी पाँच, एक दो तीन चार एंड पाँच, ये हो गया हमारा दूसरा डिज़ाइन। तो हमारा ये इस तरह से ये डिज़ाइन जाएगा, यहाँ पीछे का डिज़ाइन ऐसे रहेगा और ये डिज़ाइन इस तरह से जाएगा। तो ये पूरा लाइन हम इसी तरह से पहले इसको बना लेंगे, बाद का डिज़ाइन मैं दिखाऊंगी। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहाँ हम तीसरे वाले में लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसे जोड़ देंगे टाइट, फिर एक चेन लेंगे और नीचे वाले से ही लेंगे यहाँ। यहाँ जो पीछे हमारा ये थोड़ा लटका हुआ है इसको भी हम इस बार कवर कर लेंगे, यहाँ से फंसा लेंगे इस जगह से, और यहाँ से निकाल के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा जो नीचे लटका हुआ है तो ये झूलेगा नहीं, ऊपर आ जाएगा। फिर हम यहाँ से उल्टी साइड से बुनाई शुरू करेंगे। अभी तक हमने सीधा किया, अब हमें ये जो डिज़ाइन है ये बनाने के लिए ये वाला पोर्शन इसको उल्टी साइड से करना है। अभी तक मैं इधर से जाके इधर आ रही थी, इसको अच्छे से देख लीजिएगा तभी आपको समझ आएगा। फिर मैं यहाँ से इस तरह से घूम जाऊँगी, उसके बाद हम यहाँ इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, जैसे हमने नीचे रेड में बनाया था सेम प्रोसेस से, ऐसे सिंगल क्रोशिया नीचे से लेना है, फिर सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, फिर दो चेन और यहाँ सिंगल क्रोशिया, पांचों में सिंगल क्रोशिया पूरा बनाना है यहाँ। तो ये डिज़ाइन हमारा पहले जैसे बन गया यहाँ। उसके बाद हमें फिर से यहाँ इसके बीचों बीच से यहाँ से इसको सिंगल क्रोशिया बना लेना है, और ये पूरा राउंड हमें इसी तरह से यहाँ तक बनाना है। आगे मैं नेक्स्ट ग्रीन धागा लगाऊंगी। तो यहाँ ये पूरा कंप्लीट हुआ है। अब मैं यहाँ इसमें फर्स्ट वाले में सॉरी एक दो बच गया है, नहीं इसका नीचे का लाइन है, यहाँ मैं स्लिप स्टिच करके और इस धागे को कट कर दूंगी, इसके बाद नया धागा लगाऊंगी। तो इस तरह से ये दिख रहा है अंदर से, और बाहर से ये इस तरह दिख रहा है। अब मैं इसे सीधी साइड से, अब तक उल्टा साइड मैंने बुना एक लाइन, अब मैं सीधी साइड से यहाँ धागा लगाऊंगी। तो सबसे पहले धागे में इस तरह से बना ले लूप, फंदा बना ले और यहाँ बीचों बीच से लेंगे, जैसे हमने सफ़ेद का बनाया था तो यहाँ हम लेंगे एक चेन दो चेन तीन चेन, तीन हमारे डबल क्रोशिया वाले और दो एक्स्ट्रा
फिर सेम जगह में हम यहाँ सेम जगह में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारा वी शेप यहाँ रेडी हो गया। फिर यहाँ से हम एक दो तीन चेन, उसके बाद हम यहाँ पीछे वाले में इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीन चेन और फिर से यहाँ लेंगे और इस वाले में से यहाँ हम वी शेप बनाएंगे, दो चेन फिर डबल क्रोशिया सेम जगह में, तीन चेन फिर आगे। तो जैसे हमने ये सफ़ेद का पूरा बनाया है सेम उसी तरीके से इस पर हम ग्रीन का बनाएंगे, उसके ऊपर फिर सफ़ेद का बनाएंगे, फिर ग्रीन का, मतलब इस जो टेढ़ी जगह में है इस जगह में कॉर्नर में जो निकलेगा उसकी कॉर्नर में नया डिज़ाइन डालेंगे, सेम सफ़ेद का फिर ग्रीन का फिर रेड का फिर आगे, ऐसे एकदम सेम प्रोसेस से, पहले ये फिर इसके ऊपर दूसरा, ये जो पीछे गया है ये डिज़ाइन, फिर उसके बाद में ये, फिर उसका बुनाई। तो सेम तरीके से पहले मैं ऊपर तक बनाऊंगी, फिर नेक का डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फ्रेंड्स, आगे का मैं आगे दिखाती हूँ। मैंने ये सारे डिज़ाइन बना दिए, एक लाल है, दूसरा सफ़ेद है, तीसरा हरा है, इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन बना दिया। आपको जितना लंबा चाहिए उतना बना सकते हैं। तो यहाँ ये मेरा कंप्लीट हुआ इधर का, उसके बाद मैं फिनिशिंग बना दूँगी यहाँ से। तो यहाँ मैंने जोड़ दिया, स्लिप स्टिच किया, फिर यहाँ से एक फंदा लूँगी और ये नीचे वाले में जाके यहाँ से पीछे का भी पकड़ लूँगी और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम यहाँ से घूम जाएंगे यहाँ बैक साइड से, इस जगह से पहले जैसे हमने बनाया है सेम तरीके से बनाएंगे। यहाँ से सब में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे एक एक करके। इस तरह से इसके बाद हम यहाँ दो चेन नहीं बनाएंगे, यहाँ से एक दो तीन एंड चार, चार चेन बनाएंगे और इसके बीच से हम यहाँ इस तरह से बुन लेंगे। तो यहाँ हमारा एक गोल करके बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम इस तरह से बना लेंगे। मैं यहाँ फिनिशिंग टच दे रही हूँ। यहाँ इस तरह से जाएंगे और दोनों को एक साथ बुनेंगे, अंदर बाहर का दोनों का एक साथ बुन लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ ये डिज़ाइन ऐसे बना लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इस जगह मोती भी लगा सकते हैं बाद में, वो आपके ऊपर है। आप यहाँ फ्लावर बना सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, बस मैंने यहाँ गोल किया है। यहाँ चाहे तो तीन फ्लावर भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी और इस तरह से मैं डोरी बनाऊंगी। इसका दो डोरी डालना हो तो आप दो डोरी बना लें, जितना बड़ा है जितना गोलाई में है उतना ले लें, उसके बाद क्रोशिया जितना एक्स्ट्रा ले लें, जितना क्रोशिया होता है उतना एक्स्ट्रा ले लें। इसी को ये अलग से हो जाएगा, इसके बाद इसमें पोंपम या कुछ भी आप लगा दें, पर जितना गोलाई में होता है उतना गोलाई में आप पहले बना लें, पर क्रोशिया जितना जितना क्रोशिया इतना बड़ा एक्स्ट्रा ले लें। और फिर पोंपम टशल्स जो आपकी इच्छा हो फ्लावर बना के लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप डोरी बनाएं।